हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ श्रवण कुमार चौधरी। आज क्लास ट्वेल्थ के लिए हम एक टॉपिक लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म बहुगुण एलीलवाद, और जिसका उदाहरण है मानव रुधिर की वंशा गति। मानव रुधिर की वंशा गति दो सिद्धांत का उदाहरण है, एक कोडोमिनेंसी का भी और बहुगुण एलीलवाद का भी। कोडोमिनेंसी का मतलब जब दोनों एलीली के दोनों कैरेक्टर एक साथ उपस्थित होते हैं, को मतलब साथ साथ उपस्थित होते हैं तो उसे कोडोमिनेंसी कहते हैं, और जब दो से अधिक जीन एलील्स किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, जिसे अभी हम समझेंगे। तो पहले पार मल्टीपल एलीलिज्म है क्या, जब किसी गुण के दो से अधिक एलील्स उत्तरदायी होते हैं तब इसे हम बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। और सिंपल सी परिभाषा, जब किसी गुण के लिए दो से अधिक ऐसे एलील्स तो एक जोड़े में होते हैं, एक जोड़े तो सबके लिए उत्तरदायी होते हैं, हर गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मामलों में देखा गया कि किसी गुण के लिए दो से अधिक एलील उत्तरदायी हैं, तो ऐसे स्थिति को हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं, बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य रुधिर की वंशा गति। वर्नस्टीन नामक साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि जो रुधिर मानव रुधिर वर्ग है वह माता पिता से प्राप्त जीन के अनुसार संतानों में पहुंचता है, अर्थात किसी मनुष्य में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, किसी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, इस वर्ग के निर्धारण के लिए आवश्यक जीन उनके माता पिता से ही पहुंचते हैं, तभी रुधिर वर्ग उनमें निर्धारित होता है। सीधे सीधे शब्दों में आप देखेंगे चार्ट, हमने बताया है ये समझाने के लिए, माता पिता के रुधिर वर्ग के अनुसार ही संतानों में रुधिर वर्ग निश्चित होता है, जिसे अनेक तथ्यों और प्रयोगों से जो है ये बताया गया है कि माता पिता में यदि रुधिर वर्ग इस प्रकार का है तो उनके संतानों में ये रुधिर वर्ग संभव है और यह रुधिर वर्ग असंभव है। यह असंभव का कालम है और यह संभव का कालम है, तो इसको देखते रहें कि जो है माता पिता के रुधिर वर्ग जो ज्ञात हैं वह रुधिर वर्ग हैं तो उनके अनुसार संतानों में रुधिर वर्ग क्या हो सकता है और कौन सा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता है। आगे चलकर अभी हम देखेंगे इसकी वंशागति कैसे होती है, हर एक तथ्य को आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें एक तालिका के फॉर्म में कि अगर माता पिता में कौन से रुधिर वर्ग हैं तो उनके संतानों में कौन से रुधिर वर्ग संभव हैं और कौन से रुधिर वर्ग असंभव हैं। असंभव का मतलब निश्चित रूप से वह रुधिर वर्ग उनके संतानों में पाया नहीं जाएगा। जैसे माता और पिता दोनों रुधिर वर्ग ओ वाले हैं, माता भी रुधिर वर्ग का है ओ की है और पिता भी रुधिर वर्ग ओ का है, तो उनकी सभी संतानों में रुधिर वर्ग ओ ही पाया जाएगा, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी और रुधिर वर्ग ए बी, ये तीन रुधिर वर्ग असंभव है, नहीं पाए जाएंगे। अर्थात यदि किसी जनक के दोनों यानी किसी पेरेंट्स ने मेल फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों रुधिर वर्ग ओ वाले हैं तो उनके संतानों में सभी संतानों में केवल रुधिर वर्ग ओ पाया जाएगा और कोई रुधिर वर्ग संभव नहीं है। दूसरे प्रकरण में देखें, यदि माता या पिता में से एक का रुधिर वर्ग ओ है, दूसरे का रुधिर वर्ग बी है, या यूं कहें दोनों का रुधिर वर्ग ए ए है, ध्यान देना, यदि माता पिता में से किसी एक जनक का रुधिर वर्ग ओ है और दूसरे का ए है या दोनों का ए है तो उनके संतानों में जो संभावित रुधिर वर्ग है वह ओ हो सकता है या ए हो सकता है,
यानी उनकी संतानों का रुधिर वर्ग या तो वो होगा या तो ये होगा, बी और ए बी कतई नहीं होगा। उनके संतानों में रुधिर वर्ग बी और ए बी नहीं होगा। इनकी संतानों में जिनके दोनों दंपत्ति के दोनों लोगों का रुधिर वर्ग या तो ए हो या तो ए रुधिर वर्ग ओ हो और एक ए रुधिर वर्ग ए हो, माता पिता दोनों ए वाले हो या माता ए वाली है पिता ओ वाले हैं या माता ओ वाली है पिता ए वाले हैं, तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग बी और ए भी नहीं होगा, क्योंकि बी का यहाँ पर जीन्स नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ओ में ए और बी दोनों के जीन्स नहीं है और ए में बी का जीन्स नहीं है, तो बी वाला आने का संभव नहीं है, चाहे बी हो चाहे। ठीक तीसरे प्रकरण में देखिए, यदि किसी माता पिता में एक के रुधिर वर्ग ओ है, दूसरे के रुधिर वर्ग बी है, या दोनों के रुधिर वर्ग बी भी हैं, तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग या तो ओ होगा या तो बी होगा। उनके किसी संतान में रुधिर वर्ग ए और रुधिर वर्ग बी ए बी पाया जाना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से चौथे प्रकरण में देखें, अगर माता पिता में से किन्हीं एक के रुधिर वर्ग ए है और दूसरे के रुधिर वर्ग बी है, अर्थात किसी दंपत्ति ऐसी है कि महिला का रुधिर वर्ग ए पुरुष का रुधिर वर्ग बी, या यो कहें पुरुष का रुधिर वर्ग ए महिला का रुधिर वर्ग बी, ऐसा विवाहित जोड़ा है जिसमें एक का रुधिर वर्ग ए है और एक का रुधिर वर्ग बी है, तो उनके संतानों में सभी प्रकार के रुधिर वर्ग संभव है, असंभव कोई नहीं है। यानी उनके संतानों में रुधिर वर्ग ओ भी हो सकता है, रुधिर वर्ग ए भी हो सकता है, रुधिर वर्ग बी भी हो सकता है, रुधिर वर्ग ए बी भी हो सकता है। पांचवे प्रकरण में देखें, यदि माता पिता में से एक के रुधिर वर्ग ओ है और दूसरे के रुधिर वर्ग ए भी है, बड़े ध्यान देने की बात है कि माता पिता में से एक के रुधिर वर्ग ओ है और दूसरे के रुधिर वर्ग ए भी है, तो उनकी संतानों में रुधिर वर्ग या तो ए होगा या तो बी होगा, ना तो ओ होगा ना तो ए भी होगा। देखिए कितनी की उदंती है कि माता पिता में से एक के रुधिर वर्ग ओ है दूसरे के ए भी है, तो उनके संतानों में ए भी रुधिर वर्ग नहीं होगा। जो पिता माता में है वो रुधिर वर्ग नहीं होगा। लेकिन छठी स्थिति में देखें आप, ए बी का एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का या तो ए है या तो बी है या तो ओ है या तो ए बी है, तो उनके रुधिर वर्ग ए और बी हो सकते हैं। यह स्थिति तो आपने देख ही चुका है, ये स्थिति आप देख रहे हैं ऊपर, बाकी रिमेनिंग यह स्थिति ए बी है, तो उनमें रुधिर वर्ग ए बी और ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। यानी माता पिता में से किसी एक के रुधिर वर्ग ए बी हो गया तो उनकी संतानों में रुधिर वर्ग ओ हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि ओ रुधिर वर्ग वाले मनुष्य सदस्य बहुत कम पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इसकी अनुवांशिकता कैसे होती है, अब हम देखेंगे इसकी अनुवांशिकता कैसे होती है। तो सभी रुधिर वर्गों का जो जीन स्ट्रक्चर है वह है, आप देखें फिर उसके बाद हम एक उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं कि जो रुधिर वर्ग है, बर्नस्टीन ने जो पता लगाया उसके अनुसार रुधिर वर्ग और उसमें उपस्थित जीन या एलील्स, रुधिर वर्ग जो ए का सदस्य है उसमें जो जीन होगा वह आई ए और आई ओ प्रकार का। देखें आप मल्टीपल हो रहा है, दूसरा बी है रुधिर वर्ग, उसमें जो जीन है वह आई बी
आईबी या आईबी या आईओ होगा। रुधिर वर्ग जो एबी है उसमें जो जीन है वह आई ए आई बी प्रकार का होगा, इसके अलावा और नहीं कोई होगा। और जो रुधिर वर्ग ओ है उसका जीन आई ओ प्रकार का होगा। अब इस तरह से रुधिर वर्गों के अंतर्गत जीन होते हैं। तो अगर हम कहें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ओ है, वह एक ऐसे महिला से या महिला है तो पुरुष से विवाहित तो होता है जिसका रुधिर वर्ग ए है, तो उनके संतानों में पाए जाने वाले रुधिर वर्गों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा? मान लो महिला जो है, महिला का रुधिर वर्ग ओ है और पुरुष का रुधिर वर्ग ए है और दोनों आपस में विवाहित तो होते हैं, तो उनके संतानों में रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होगी? देखिए, महिला में जो रुधिर वर्ग की लिए आवश्यक जीन होगा और पुरुष का जो आवश्यक जीन होगा वह महिला का या तो आई ओ होगा और पुरुष का आई ए होगा या आई ए होगा। अब मान लो ये दोनों होता है तो आप नेट का स्क्वायर मेथड बनाएं और देखें कि जो आई ओ और आई ए, फिर इधर आई ओ और आई ओ दोनों मिले इस खाने में, आई ओ इसमें आई ओ और इसमें आई ए, आई ओ आई ओ आई ओ आई ए, यानी ये दोनों रुधिर वर्ग ए वाले हुए और ये दोनों रुधिर वर्ग ओ वाले हुए। अर्थात महिला या पुरुष में से एक का रुधिर वर्ग ओ है, दूसरे का रुधिर वर्ग ए है, तो पहली सिचुएशन ये बनती है कि इनमें जो प्रायिकता होगी 50% रुधिर वर्ग ओ वाले होंगे और 50% रुधिर वर्ग ए वाले होंगे। लेकिन इसमें एक दूसरे प्रकार का जीन भी है। अगर ये स्थिति पाई जाती है तो आप देख रहे कैसे होगा, या ए और यह भी ए और ये ओ और यह भी ओ, तो ये देखिए ओ ए अर्थात ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी, यानी सभी के सभी जो है रुधिर वर्ग ए वाले होंगे, ओ वाले नहीं पाए जाएंगे। आठ में से छह रुधिर वर्ग ए वाले हुए और दो रुधिर वर्ग ओ वाले हुए, तो आठ में से छह अर्थात लगभग, अब उसको प्रतिशत में बदल लेते हैं तो 6/8 × 100 कर देते हैं तो जो प्रतिशत आता है वो रुधिर वर्ग ए का है, और 2/8 × 100 कर देते हैं तो वो जो है रुधिर वर्ग ओ वाला आता है। इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन का लेकर के रुधिर वर्ग की वंशागत का प्रायिकता निकाल सकते हैं कितना है। इसे आगे हम अगले टर्न पर देखेंगे।